हेलो फ्रेंड्स, आज हम वी सेवनटीन प्रो के करेंगे अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू। ड्यूल पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आया है। तो अभी मार्केट में इसका रिटेल यूनिट बिकना शुरू हो गया है। तो इसमें बॉक्स में बैक में देख रहे थे हाईलाइट्स क्या है। 32 मेगापिक्सल पॉपअप कैमरा, क्वाड कैमरा बैक में, 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, 20:9 के साथ ही आता है। तो अभी इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें बॉक्स कंटेंट क्या क्या कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। और इसको जल्दी से हम अभी ओपन करते हैं और साथ में देखेंगे ये अपने प्राइस के हिसाब से क्या ये वर्थली है, परचेज करना इसको ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको भी ओपन करते हैं और जैसे इसको ओपन करते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है V17 Pro। तो अभी इसको देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलेगा आपको। एक इसके साथ मिलता है कवर और ये मिलेगी आपको एक केबल। तो केबल जो है इसमें आपको एक बार देख लेते हैं, टाइप सी केबल के साथ आ रहा है। तो अच्छी बात, वीवो ने अभी मूव कर लिया है टाइप सी केबल के साथ में। और साथ में इसमें मिलेगा आपको सिम इजेक्टर टूल और ये एक पेपर वर्क जो कि मैनुअल गाइड आएगी। और साथ में इसमें आपको मिल जाएगा वाइट कलर का एक केस। तो केस काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और इसमें हमारा फ़ोन पड़ा है। फ़ोन के साथ ऊपर गूगल असिस्टेंट का लोगो भी दिया हुआ है। बैक में ब्लू कलर के साथ में आता है ये। तो कलर अच्छा है, हैंडसोन फील भी इसका अच्छा आ रहा है। तो डिस्प्ले इसकी जो मिलेगी आपको 6.44 इंचज़ की मिल जाएगी सुपर एमोलेड पैनल के साथ में। और जैसे हम इसको बूट कर रहे हैं, बैक में इसका ये ग्लॉसी डिज़ाइन देख लेते हैं। क्वाड कैमरा के साथ में है ये फ़ोन, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। वीवो के नीचे ब्रांडिंग मिल जाएगी आपको और दो कैमरों के बीच में एक फ्लैश, डिज़ाइन अच्छा है। और ऊपर इसमें सेकेंडरी माइक्रोफोन, पॉपअप कैमरा, +3.5 mm ऑडियो जैक। और नीचे की तरफ हम देखते हैं तो इसमें आपको स्पीकर ग्रिल और ये सिम ट्रे मिल जाएगी और टाइप सी कनेक्टर मिल जाएगा नीचे। तो इसको फ़ोन रखते हैं साइड में और देखते हैं इसमें साथ में साथ आपको क्या कंपनी और प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें एक आपको मिल जाएगा चार्जर, तो जिसके जो आउटपुट आएगी 9 वोल्ट 2 एम्पेयर के साथ है। तो एक फास्ट चार्जर कंपनी साथ में दे रही है आपको। और ईयरफोन्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं इसके साथ में। इन ईयर के साथ में आएंगे तो म्यूज़िक साउंड एक्सपीरियंस इसमें काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। तो अभी सब सामान रखते हैं साइड में और देखते हैं मोबाइल फ़ोन को और इसको करेंगे अभी बूट। तो वीवो ने जो इसकी प्राइस रेंज रखी है 29,990 रखी है। अगर इस प्राइस में हम देखते हैं तो ओप्पो में आपको Reno2Z मिल जाएगा और एक थोड़े पैसे अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो आपको OnePlus भी मिल जाएगा साथ में साथ, तो उनकी वो भी 33,000 के साथ में ही है। तो अभी देखते हैं कि आप में प्राइस को ये वर्थ करता है या नहीं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अभी इसके साथ में। और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो कलर आउटपुट अच्छे मिलेगी आपको। और इसका कैमरा जो मेन हाईलाइट से कंपनी ने बताया, अभी बैक में आपको बहुत अच्छा कैमरा मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल है, लेकिन उसको आपको ऑन करना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन नहीं होगा। तो अभी एक इसका क्विक सैंपल देख लेते हम। तो कलर्स अच्छे आ रहे हैं इसमें। तो पर्सनली देखा जाए तो मेरे को उसका कैमरा काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें भी देख लेते हैं, जूम इन भी अच्छा है इसका, बैकग्राउंड में एक बोके इफेक्ट क्रिएट किया है अपने आप फ़ोन ने। तो इसमें अगर और हाईलाइट्स की बात की जाए तो इसका फिंगरप्रिंट एक बार देख लेते हैं। इन क्लास फिंगरप्रिंट के साथ आएगा ये डिवाइस और फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा है इसका, काफ़ी फास्ट है आपने देखा जैसे, तो साथ के साथ ही अनलॉक हो जाता है, ये टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और सेटिंग में इसमें एक बार फेस अनलॉक देखते हैं करके, सेटअप फिंगरप्रिंट पासकोड में गए अभी। इसका फेस अनलॉक कहाँ है भाई, मिल नहीं रहा यार। चलो इसका जैसे हम फेस अनलॉक देखते हैं अभी। अब मैं फेस अनलॉक इसको सेटअप करता हूँ और आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका हम जल्दी से एक पबजी का रिव्यू बुलाएंगे। अभी फेस अनलॉक सर्च करें भाई, कहाँ है यार। तो हाँ, ये मिल गया इसका फेस अनलॉक नीचे की तरफ, ग्रेट। अभी ऐड फेस करेंगे अपना और काफ़ी क्विकली सेटअप कर दिया यार इसने, मेरे को उम्मीद नहीं थी इतने जल्दी कोई सेटअप करेगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसका कैमरा कब बाहर आया, कब नीचे चलेगा, मालूम ही नहीं पड़ा। एक बार फिर से करके देखते हैं, मज़ा आ रहा है भाई। अरे वाह, तो मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है, मैं फिर से एक बार करके देखता हूँ यार, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कैमरा आया और साथ के साथ ही इसने आपको डिटेक्ट कर लिया। इसका फेस अनलॉक देते हैं, काम कर रहा है या ठीक से या नहीं, एक सेकेंड। तो ये अपने आप मैनुअली ऑन नहीं हुआ इसका फेस अनलॉक में भी, तो इसको एक बार सेटिंग में जाकर लगता है मेरे को ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि फेस अनलॉक जो पॉपअप कैमरा अपने बाहर नहीं आ रहा। तो चलो छोड़ो, इसको मैं बाद में देखता हूँ।
तो लगता नहीं रहा मेरे को ऐसे कैमरा का मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उसको हम अभी छोड़ देते हैं, उसको बाद में देखेंगे। तो बैक में वैसे लग रहा है मेरे को स्मजेस के निशान आराम से विजिबल होंगे, तो मे भी थोड़ा लुक को थोड़ा ख़राब कर देते हैं, बाकी आपके ऊपर है। लेकिन एक बार इसमें अच्छी है कि आपको वीवो ने इसमें पहले से एक स्क्रैच गार्ड बैक की तरफ भी लगा कर भेजा। कंपनी वैसे फ्रंट पे लगाती है, इसमें आपको बैक पे लगा हुआ मिल जाता है, तो मे भी आपको शायद ना नज़र आए, लेकिन इसकी लुक अच्छी लगी। तो इसके साथ हम देख रहे थे बैक में, तो जो अभी बैक में देखते हैं हम ये, इसको स्क्रैच गार्ड उतार कर, तो ऊपर लिखा था 2 मेगापिक्सल के कैमरा, और ये अभी देख लेना इसमें जिसके निशान क्या नज़र आएंगे या नहीं नज़र आएंगे। तो इसको ऊपर प्रेस किया तो अंदर चले गया आराम से कैमरा। तो इसका एक बार कवर भी चेक कर लेते हैं, जो इसमें साथ में आपको कवर मिल जाता है, तो कवर की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, प्लास्टिक का हार्ड केस आएगा, तो नॉर्मली अगर आप यूज़ करते हो तो अच्छा है, आपको लुक एक अच्छी मिल जाएगी, इन्हेंस कर देता है आपके लुक को। और इसका कैमरा भी देख लेते हैं, जो इसका मेन कैमरा है 48 है, बट बाय डिफॉल्ट इसका 12 मेगापिक्सल ऑन होगा। 48 मेगापिक्सल ऑन करने के लिए आपको साइड में प्रो मोड में जाना पड़ेगा, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल अभी ऑन किया, तो 48 मेगापिक्सल में ऐसा है कि आप जूम इन नहीं कर सकते, बाकी जो फोटो की पिक्चर की क्वालिटी होगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अभी नॉर्मल पे देख लेते हैं एक बार जूम करके, तो जूम इन में भी काफ़ी अच्छा आया था यार, मेरे को लगा नहीं था पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। अब एक बार देख लेते हैं इसकी पिक्चर की क्वालिटी कैसी रहेगी। विजिबल है भाई, बाइक अच्छी है वैसे, बता रहा था। चलो एक बार भी 2x ऑप्टिकल जूम के साथ, तो ये अप टू 10x तक इसका कैमरा जाएगा। इसमें भी नाइट मोड भी मिल जाता है देखने को, अब हर कंपनी अभी नाइट मोड प्रोवाइड कर रही है, इनकेस अगर डार्कर है तो फिर आप देख सकते हो। और इसी के साथ अभी हम इसके कैमरा के और थोड़ी टेस्टिंग करने के लिए इसको अभी कहीं और ले आए हैं, एक बार इधर देख लेते हैं इसका कैमरा। 48 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 8 और 2, मालूम नहीं क्या कंपनी ने दिया हुआ भाई इसमें। तो अब इसका ये 2x ऑप्टिकल कैमरा यूज़ हो रहा है, तो पिक्चर की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। वैसे ही भाई वीवो कैमरा फ़ोन है, तो कैमरा के मामले में कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। तो अगर अभी इसका भी यूज़ करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल में ये 117 डिग्री के ऊपर काम करेगा, तो और एक आपको अच्छा खासा व्यू दे देगा। वैसे मैं नॉर्मली, मेरे को अल्ट्रा वाइड कैमरा इतना पसंद नहीं है, बाकी आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड होगा। और अब इसका बोके इफेक्ट भी एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको कैसे मिलेगी इसकी बोके की पिक्चर। तो इसमें ऐसा है कि आप पोर्ट्रेट अगर फोटो लेना चाहते हो तो बैकग्राउंड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ज़्यादा ब्लर करना, कम ब्लर करना, तो इसका एक प्लस पॉइंट है। कईयों को ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर अच्छा लगता है, कईयों को कम अच्छा लगता है इसलिए। और इसमें भी मिल जाएगा एक माइक्रो लेंस जो 2 मेगापिक्सल के ऊपर वर्क करेगा, तो पिक्चर की क्वालिटी इसमें भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, डिटेलिंग्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है इसमें। तो हाँ बिल्कुल, माइक्रो लेंस कैमरा अच्छा वर्क कर रहा है इसका। और इसमें भी देख लेते हैं स्लो मोशन, स्लो मोशन वीडियो सभी को अच्छी लगती है भाई, किसको नहीं अच्छी लगती, सभी चाहते हैं कि स्लो मोशन वीडियो सुनाएं। तब इसके अब स्लो मोशन का एक सैंपल देखते हैं टेस्ट करके, बोतल को फेंक देते हैं भाई, कुछ नहीं मिला। और तो एक बार और से अच्छा नहीं लगा अपन को। तो नॉर्मल डिवाइसेस में क्या होता है, अगर हम स्लो मोशन करते हैं उसका कुछ जो हिस्सा होता है पहले नॉर्मल वीडियो प्ले होगी उसके बाद स्लो मोशन होता है, लेकिन व्यू मैंने ये देखा कि ये पूरी वीडियो को स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देगा। तो बाकी ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कैसी वीडियोस अच्छी लगेंगी। तब ये देख लेते हैं हम इसको, भाई बहुत तो लीनिंग कर रही है इसमें, आएगा आएगा वेट करो भाई, कि ये हमने रिकॉर्डिंग की है, कोई बात नहीं। और ये बिल्कुल, तो इसका अभी ये कैमरा सैंपल्स है कुछ, अभी आप कैमरा सैंपल्स को एंजॉय करो, और साथ के साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और भाई पबजी का रिव्यू भी आने वाला है इस मोबाइल का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल का आइकन ज़रूर दबा लेना। तो ये देख लीजिए पोर्ट्रेट इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। ओके भाई, हेलो फ्रेंड्स, आज हम V17 Pro के करेंगे अनबॉक्सिंग, उसका रिव्यू, ड्यूल पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ ये फ़ोन आया है।